पिछली डेढ़ सदी से खड़ा मजबूती और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिल्ली का ये लोहा का पुल अपने अंदर बहुत से इतिहास और कहानियाँ छुपाया हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको लोहे वाले पुल का पूरा नज़ारा करवाएंगे और इसका इतिहास बताएंगे कि इसके अंदर ऐसा धातु यूज़ किया गया था जो उस समय में नया था। आम पब्लिक उसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो कंपनी डेढ़ सदी से भी ज़्यादा अपनी मजबूती को संभाले हुए ये लोहे का पुल अपने अंदर कई राज छुपाया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि इसके अंदर ऐसे क्या मटेरियल यूज़ हुआ है जो इसे आज तक डेढ़ सदी से भी ज़्यादा हो चुका है इस पुल को खड़े हुए। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान, आपके अपने चैनल पर शक्ति मंदिर। आज मैं आपको लोहे वाले पुल का पूरा इतिहास बताऊँगा और ये दिखाऊँगा ये कैसा बना हुआ है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे पूरी तरह कब्ज़ा कर चुके थे और उन्हें अपनी तिजारत को यानी कि अपने एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो दोस्तों, जब यमुना नदी को पार करना काफ़ी महंगा और काफ़ी मुश्किल उनके सामने एक चुनौती के रूप में आने लगा, तो उन्होंने दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का सोचा। दोस्तों, इस पुल का निर्माण उन्होंने 1840 के अंदर प्लान करने की स्टार्टिंग की, लेकिन दोस्तों इस पुल को बनते बनते 1867 के अंदर ये पुल बनके तयार हुआ, यानी कि 1866 के अंदर, यानी कि 1867 के अंदर इसकी पहली यात्रा की गई, यानी कि पहली रेल यात्रा की गई, समझ सकते हैं। और पहली तिजारत अंग्रेज़ों की शुरू ही दिल्ली टू कलकत्ता की। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का पूरी तरह कब्ज़ा हो गया और 1840 के आसपास उन्होंने अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए एक पुल का सोचा, क्योंकि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत महंगा और कठिन हुआ करता था और उसमें ज़्यादा टाइम लगा करता था। तो उन्होंने 1840 के अंदर एक पुल बनाने की सोची जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़े, समझ सकते हैं। तो उसी दौरान 1866 तक इस पुल को बनाया गया और इसकी पहली सवारी की गई, समझ सकते हैं। उसके दौरान ईस्ट इंडियन कंपनी हिंदुस्तान के अंदर और ही मजबूत हो गई, लेकिन इस पुल के बाद उन्होंने अपना पूरा दबदबा हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर दबा बना लिया। तो दोस्तों, अब बात की जाए कि ये पुल बनाने में कितना खर्चा आया, जो आज दुनिया डेढ़ सदी से ज़्यादा हो गया इस पुल को बने हुए और आज भी पूरी दिल्ली और बाहर से रेलगाड़ियाँ वगैरह जो इसके ऊपर से गुजरती हैं वो आज तक इसका इस्तेमाल कर रही हैं और ये पुल कई तरह की बाड़े सह चुका है। आखिर इसके अंदर कितना लोहा, कितना एलुमिनियम लगा हुआ है जो इतनी बार सहने के बाद भी देर सदी तक ये पुल टिका हुआ अपनी जगह के अंदर। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ी पुल के आगे का नज़ारा करवाता हूँ आपको और यमुना नदी का नज़ारा करवाता हूँ कि आगे से देखने में कैसा लगता है। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ उधर साइड, देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है आगे जाने का। ये अब घासें उग चुकी हैं दोस्तों काफ़ी सारी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब जंगल सा हो चुका है और उधर से वो पुल दिखाई दे रहा होगा आपको, वो पुल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों उधर की साइड, आपको देख सकते हैं। और इधर जंगल सा है, पूरा जंगल उधर की साइड निकल चुका है दोस्तों। और ये देखिए, इधर से भी आपको ये नज़र आ रहा होगा पूरा पुल। और नीचे खाई है दोस्तों, मैं इस वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और वो पुल है पूरा, ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही है और देखते हैं आगे थोड़ा नज़ारा कैसा है। आप देख सकते हैं पूरा जंगल है दोस्तों, मतलब ये यमुना नदी को रास्ता जा रहा है दोस्तों पूरा। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये थोड़ा गैप आ गया इधर, आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, ये यमुना नदी का नज़ारा है पूरा उधर की साइड पर दोस्तों। ये देखिए पूरा यमुना नदी का नज़ारा है और ये पिलर हैं जिनकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, जो आज भी इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं। लाहौरी ईंटों का काम भी हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये पूरा लोहे वाला पुल है पीछे तक, सामने तक लगभग कहा जाता है दोस्तों ये 1 किलोमीटर का पुल हुआ करता है दोस्तों। और अब मैं आगे इस साइड वापस चलता हूँ और इसका इतिहास बताता हूँ आपको, चलिए। ये देखिए पूरा जंगल है दोस्तों, ये
देख रहे हैं आप पूरा जंगल है। हम वापस बाकी साइड चल रहे हैं थोड़ा आगे, जहाँ सेफ्टी थोड़ी, फिर वहीं जाके मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ पूरा, ठीक है? और फिर इसका एंड करेंगे। देखिए ये पूरा लोहे वाला पुल है। तो दोस्तों ये पुल बनाया गया था सिया प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा, जो उस समय ईस्ट इंडियन कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने इस पुल को बनाने में अपने लगभग 15 साल इस पुल के अंदर लगा दिए। तो दोस्तों ये सियार एल्बर्ट प्रिंस के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे हिंदुस्तान को, दिल्ली को एक नई पहचान दी थी उस समय में, और आज भी ये बहुत लोगों के ज़ुबान पर ही रहता है। और आज तक इस पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर गाड़ी भी खड़ी है और नीचे गाड़ियों की यानी कि ट्रैफिक भी गुजर रहा है इतना सारा सारा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा लोहे का पुल है और इसके नीचे कितने मोटे मोटे पिलर लगे हुए हैं जिनका इस्तेमाल आज तक किया जाता है, ये देखिए। और ये पुल कम से कम 1 किलोमीटर का पुल है दोस्तों, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। और इस टाइम आपका रेलगाड़ी खड़ी हुई है, आप आवाज भी सुन रहे हैं हमने ट्रेन की, आप आवाज भी सुनी आपने ट्रेन की, इसके ऊपर ट्रेन खड़ी है और नीचे गाड़ियां गुजर रही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इस पुल के अंदर 8 पिलर बनाए गए थे जो यमुना नदी के अंदर तक धसे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर ये पुल टिका हुआ है। 150 सदी गुजरने के बाद भी ये पिलर आज तक भी मजबूती से बने हुए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। और इसके अंदर 2 चौकी बनाई गई थी, चौकी मतलब इस पुल के देखभाल के लिए, और इसके आसपास इस पुल से कौन कौन गुजर रहा है उनकी हाजिरी के लिए, जिसके अंदर उस समय के ईस्ट इंडियन कंपनी के कुछ सिपाही रहा करते थे। वो आप आगे की वीडियो में देखेंगे उसका अंदर का नज़ारा, आज वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, समझ सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि 1855 के अंदर जब इसकी लागत को जांचा गया तो उस समय के 17,000 पाउंड के रूप में इसकी निकल कर आई लागत लगभग, समझ सकते हैं। तो उस समय में इस इंडियन करेंसी के अंदर वो कीमत होती थी लगभग 14 करोड़ रुपये दोस्तों, समझ सकते हैं। ये सिलसिला 80 साल तक चला, ठीक है, और फिर 1830 के आसपास इसे दोबारा रिपेयर करने के लिए परमिशन मांगी गई। क्यों? क्योंकि उस समय से ट्रेन गुजरा करती थी इसके ऊपर से, और फिर जब 1930 के आसपास इसे आम सवारियों के लिए भी बनवाया गया, यानी कि इसे दोबारा रिपेयर किया गया था दोस्तों। और लगभग कहा जाता है दोस्तों कि इसके अंदर ऐसा धातु यूज़ किया गया था जो उस समय में नया था, आम पब्लिक उसके बारे में जानती थी, लेकिन वो कंपनी इंग्लैंड से, मतलब वो धातु इंग्लैंड से मंगवाया गया, वो कौन सा था? एल्यूमिनियम। तो उस समय में लगभग इसके अंदर 3500 टन लोहा और 27,000 टन एल्यूमिनियम यूज़ किया गया था दोस्तों, जिसकी वजह से इन दोनों के मिश्रण के कारण ही ये पुल आज तक टिका हुआ दोस्तों। और बात ये दोस्तों कि वाटरप्रूफ लोहा माना जाता है, क्योंकि इसके ये कई बाढ़ झेल चुका दोस्तों, लेकिन बाढ़ आने के बाद भी इसके अंदर जंग नहीं लगा। इसका कारण आज भी शायद पता चल गया हो, लेकिन मुझे उसकी मालूमात नहीं है कि इसके बारे में पता, मतलब वो आया नहीं आया। लेकिन दोस्तों 150 सदी, लगभग 150 साल से भी ज़्यादा ये किला अभी, मतलब ये पुल अपने अंदर मजबूती से खड़ा हुआ है, समझ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ, और मैं पुलिस मतलब जो साइड में 2 चौकी बनी है वहाँ पे भी गया, लेकिन वहाँ पे अंदर मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस पुल का इतिहास, और किसने इसे बनवाया था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि सारी हिस्टोरिकल जगहों को मैं कवर कर रहा हूँ तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। एक ऐसा इतिहास जो आज तक हिंदुस्तान के और दिल्ली की पब्लिक इस पुल को यूज़ कर रही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप बहुत दफ़ा यहाँ से गुजरे होंगे दोस्तों, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस पुल का इतिहास कैसा हो सकता है, और ये कितना वज़न झेलने के मारे बना। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नए ब्लॉग पर, जब तक ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।